मंदिर में सावन भादो कढ़ाई रखी हुई है। सावन भादो कढ़ाई का अपने देश भक्ति का याद रखना। करणी माता की बहन गुलाब गौरी का पुत्र लखन जो कबीर मुनि की कुल है, जिले में श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षा बंधन के दिन दोपहर गया था। इसी कारण चारण समुदाय के लोग कबीर मुनि के मेले में भाग लेते क्या है। 18 भुजा की नागनेची माता का मंदिर है मंडोर जोधपुर। यह तो जोधपुर के राठौड़ों की क्या है, कुल देवी। एक है जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी चामुंडा माता। चामुंडा माता मेहरानगढ़ जोधपुर में, जोधपुर के राठौड़ों की क्या है, आराध्य देवी। लखियार माता भदोही जोधपुर में है। माता के मंदिर में आज भी खिचड़ी वर्ष की पूजा की जाती है। सचियाई माता ओसिया जोधपुर में है। ओस वालों की क्या है, कुल देवी। ये मैंने आपको उधर प्रति आरोप में बताया था। ओस वालों की क्या है, कुल देवी। याद रखना सचियाई माता के मंदिर के निर्माता बसराज पटियार एक कले देव है। इसके बाद मेरा बवाल माता नागौर में है। बवाल माता का अपना है नागौर। बकरों की बलि पर श्राप चढ़ाई जाती है। सवांगी माता जैसलमेर भाटी राजवंश की क्या है, कुल देवी। सवांगी जो माता है वो भाटी राजवंश की कुल देवी है। हिंगलाज माता लोधरबा जैसलमेर में भाटी राजवंश की क्या है, आराध्य देवी। तनोट माता का अपना है जैसलमेर। तनोट माता थार की वैष्णो देवी है, सैनिकों की देवी है, रोमाली माता के नाम से जानी जाती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी जो सेना के अधीन इनकी पूजा पूर्ण करते हैं। याद रखना बीएसएफ के जवान करते हैं। कुशाल माता बदनौर भीलवाड़ा में है। सुंदा माता जालोर में है। सुगाली माता अवध पाली में है। आशापुरा माता जालोर में है। आशापुरा माता का प्रे जालोर। याद रखना एक आशापुरा माता पोखरण जैसलमेर में है। आपको बताया गया जालोर के इतिहास में कि वीरम देव ने आशापुरा माता के सामने कटार से आत्महत्या कर ली। एक आशापुरा माता बंडोज गुजरात में है, बंडोज गुजरात में। और ये मैंने आपको लिखाया था चौहान के इतिहास में कि विग्रहराज ने, याद रखना यानी बंडोज गुजरात में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद में बाण माता है। बाण माता सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। राजेश्वरी माता भरतपुर में जो जाम राजवंश की क्या है, कुल देवी। जम्बुआई माता या अन्नपूर्णा माता तो जम्वारा गढ़े जयपुर में। जम्बुआई माता या अन्नपूर्णा माता जम्वा रामगढ़ जयपुर में। और जम्वा रामगढ़ बोले जयपुर में कौन रखते, कछुआ राजवंश है। तो ये कछुआ राजवंश की क्या है, कुल देवी। जम्बुआई माता या अन्नपूर्णा माता जम्वा रामगढ़ जयपुर में है तो शीला देवी आमेर में, जो कछुआ राजवंश की क्या हो जाएगी, आराध्य देवी। ऐसा ही तो लिखा है आपको। शीला देवी की मूर्ति मानसिंह फर्स्ट बंगाल से लेकर आया था। जवाला माता जोगनेर जयपुर में है। गंगा रतो की क्या है, कुल देवी। चौथ माता चौथ का बरवड़ा स्वाई माधोपुर में है, जो याद रखना कंदर जाति की क्या है, कुल देवी। बड़ली माता चिपको का कोला चित्तौड़ गढ़गेड़ छंदी की किनारी माता के नाम की ताती बांधने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। एक है बदाना माता, जो याद रखना कोटा में हाड़ा राजवंश की क्या है, कुल देवी। ब्राह्मणी माता वैसे ब्राह्मणी वैसे ही बारह, यानी विश्व के मात्र ऐसी लोग देवी जिसके पीठ की पूजा की जाती है। तो फिर नारायणी माता बरवा के डुंगरी राजगढ़ तहसील अलवर में है। आज भी ये याद रखना माता के मंदिर में माता की पूजा को लेकर गायों बलिनों में क्या चल रहा है। इसके अलावा खलखानी माता लोनियावास जयपुर में है। खलखानी माता लोनियावास जयपुर में है, वहां पर एक गधों का मेला पड़ता है। असावरा माता चित्तौड़गढ़ में है, लखवे की देवी है। जीन माता का नाम सुना है, कह रहे हैं सिक्कर रेवासा। जीन माता का सिक्कर रेवासा नाम सिक्कर। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है, जीन माता। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीन माता का है। जीन माता के भाई का नाम था हर्ष, हर्ष का हर्ष। तो हर्ष भैरव का मंदिर में रेवासा गांव सिक्कर है। याद रखना जीन माता के मंदिर में पहले बकरों की बलि पर श्राप चढ़ाई जाती थी, आज रोक लगा दी गई है, बकरों के हाथ चढ़ाए जाते हैं। कौन सी माता है, जीन माता। चीर माता मधुमक्खियों की देवी के रूप में ख्याति प्राप्त है। तो आई माता है बिलाड़ा जोधपुर में। तो आई माता नाम रहे बिलाड़ा। माता के मंदिर को दरगाह बनेर खान कहा जाता है। सिर्वी जाति की क्या है, सामने आई माता वो माता है जिसके माता की पुजारी को दीवान कहा जाता है। माता की जो से केसर टपकता है, केसर की पूजा की जाती है, कौन सी माता है, आई माता। कौन सी माता है, आई। इसके अलावा देखो अगर आपको पहले अगर याद हो तो केला देवी बताई गई है। केला देवी कहाँ लक्की मेला बढ़ता है, केला देवी लक्की मेला कब बढ़ता है, चैत्र शुक्ल सप्तमी वह अष्टमी। केला देवी यदवंशी राजवंश की कुल देवी है। मंदिर के सामने भोरे भगत की छतरी है, लागुनिया वजोगुनिया गीत गाया जाता है। एक आपको याद हो तो शाकंभरी माता, शाकंभरी माता कहते हैं।
उदयपुर वाटी उदयपुर वाटी दुदुर में और एक शाकंभरी माता सांबरे जयपुर। याद रखना शीतला माता सिर की डोगरी चाचू जयपुर। मंदिर के निर्माता शीतला माता जो जयपुर में माधो सिंह राजस्थान की मात्र ऐसी लोग देवी लोग पंडित रूप से पूजी जाती है। शीतला माता का पुजारी को मार जाति का होता है सवारी गदा और मेला चेतक कसने अष्टमी। शीतला माता के मेले को बैलगाड़ियों का मेला कहा जाता है। शीतला माता के मेले को क्या कहते हैं? बैलगाड़ियों का मेला। शीतला माता वो माता है याद रखना जिसे बैलगाड़ियों का मेला कहते हैं। छोटी माता बच्चों की देवी चेचक की देवी सेठन माता बाचेड़ा महामाया के नाम से किस माता को जाना जाता है? शीतला माता। इसके अलावा आप मेरे को बताओगे कह रहे एक माता है रानी शक्ति। रानी शक्ति का मंदिर जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा शक्ति मंदिर है। अगर वालों की क्या है? कुलदेवी। लोक भाषा में सिद्धार्थ जी या शक्ति पीठ कहते हैं। वास्तविक नाम नारायणी बाई। पति का नाम था तन दत्ता जो हिसार हरियाणा के नवाब के साथ लड़ता हुआ मारा गया। तब रानी ने चामुंडा रूप धारण किया नवाब की हत्या कर अपने पति के साथ सती हो गई थी। सीधी सी बात है विश्व का सबसे बड़ा शक्ति मंदिर ही रानी शक्ति का मंदिर है जो झुंझुनू में है। भाद्रपद की अमावस्या को मेला बढ़ता था आज नहीं बढ़ता है। 1987 में देवराला गांव सीकर में रूप कवर अंतिम के बाद इस मेले पर क्या लगा दी गई थी? रोक लगा दी गई। इसके अलावा अगर आपको पता हो तो मैंने एक भद्रकाली माता लिखा है हनुमानगढ़ भद्रकाली हनुमानगढ़ मनसा माता चोरू झुंझुनू यही बताया था उसने। यानी कुछ छोटे छोटे लोग देवी की भद्रकाली माता हनुमानगढ़ मनसा माता चोरू झुंझुनू शारदा देवी फिलानी झुंझुनू। खेती शक्ति शक्ति का नाम आते ही झुंझुनू। खेती शक्ति झुंझुनू दौलागढ़ की देवी अलवर अलवा माता भरतपुर रसद माता आवेरी दोसा नकदी माता जयपुर नकदी माता चित्तौड़गढ़ कालका माता चित्तौड़गढ़ घेवर माता राजसमंद अम्बे माता उदयपुर दत्ती माता कोट मंगलुर नागौर में है जौबड़िया माता भीलवाड़ा और धनोक माता भीलवाड़ा। यानी मैं जो प्रसिद्ध लोग देवी धरा वो 51 या 52 के आसपास थी। वैसे तो भोजन दिखाई गई थी और आप उस समय भी यही बात बताई कितने लोग देवी याद करनी है 52 लोग देवी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा मेले डूंगरपुर में बढ़ते तो सबसे ज्यादा पशु मेले सबसे पहले मेले में जो स्थान किया था वो गणेश जी का मेला है। किसका मेला है? गणेश जी का मेला रणथंभौर शिवाजी माता त्रिनेत्र गणेश जी गणेश चतुर्थी। फिर गणेश जी के कई मंदिर है आपको जो बॉक्स मिल जाएगी जिसके नहीं हुए उनके बता रहा हूँ। गणेश जी की अगर बात करें तो गणेश जी के कई मंदिर है रणथंभौर का गजन मंदिर है रणथंभौर आपको मेले में बताया था कार्तिक की पूर्णिमा। कार्तिक की पूर्णिमा इस कार्तिक की पूर्णिमा के मेले बताया था 8। कितने मेले? 8। एक मेला बताया था सावा का मेला चूरू में पड़ता है। सावा का मेला कहाँ पड़ता है? चूरू जो राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला है। एक मेला आपको बताया गया था पुष्कर मेला अजमेर में ये तो बताया था आपको। यानी जैसे मैंने आपको पहले लिखा है उसी तरीके के नोट्स मिलेंगे। उसमें समझ आना कि कार्तिक की पूर्णिमा के मेले हैं सावा का मेला चूरू पुष्कर मेला अजमेर कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला बीकानेर में पड़ता है याद रखना। कपिल मुनि का मेला बीकानेर में पड़ता है कोलक बीकानेर में। कपिल धारा का मेला बारा में पड़ता है। कपिल धारा का मेला कहां पर पड़ता है? बारा में पड़ता है। एक बताया था रामेश्वर मेला सुवाई माधोपुर में पड़ता है। चंद्र भागा मेला जागरा पाटन झालावाड़ और नीला पानी का मेला डूंगरपुर। तो उसमें अगर आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि कार्तिक की पूर्णिमा के कितने मेले आते हैं? 8। सावा का मेला चूरू पुष्कर मेला अजमेर कपिल का मेला कोलक बीकानेर कपिल धारा का मेला बारापुर चंद्र भागा मेला झालरा पाटन झालावाड़ नीला पानी का मेला डूंगरपुर। जिनका जो लिखा हुआ ना उनके रजिस्टरों में देख रहे हो यानी जिनका नहीं लिखा ना वो देख लो। याद रखना एक आपको बताऊंगा वैशाख की पूर्णिमा। वैशाख की पूर्णिमा के कितने मेले बताया था? 6 मेले। कितने? 6। जैसे परम से जैसे लिखा था वैसे ही बोल रहा हूँ। बाबा गोदमेश्वर का मेला अरनौत प्रतापगढ़ माता कुंडाली का मेला राशनी चित्तौड़गढ़ बाण गंगा का मेला विराटनगर जयपुर देवयानी का मेला सांबरे जयपुर
याद रखना देव गति का मेला सांबर जयपुर में है, तो नक्की झील का मेला माउंट आबू और गोमती सागर मेला बताया गया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था जसदुंडी एकादशी के तीन मेले, सांवरिया सेठ का मेला मुंडू के चित्तौड़गढ़ चार भुजा मेला रास सकट ढोल मेला बारह ढोल नृत्य काम का प्रसिद्ध है जालोर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था बर्तरी का मेला अलवर में, अलवर बर्तरी का मेला अलवर में बढ़ता है। बर्तरी के मेले को कटखटे नाथों का तीर्थ कहते हैं। बर्तरी रानी पिंगला के प्यार के धोखे के कारण सन्यासी बन गया था, सन्यासी से पहले कहां कर रहा था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि अमावस्या के मेले, इसके मेले अमावस्या के मेले, अमावस्या के मेले में कोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा। अरे जिनका लिखा हो ना वो, जिनके नहीं लिखा हो उनको दिखा दो आराम से एक बार। अमावस्या के मेले में आपको बताया गया था कितने स्टूडेंट है जिनका ये मेले में अमावस्या के मेले नहीं लिखे हुए है। हम लेते ही नहीं है।